हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। दरअसल फरीदाबाद में ईद के अगले दिन ही सनसनी फैल जाती है जब गुरुग्राम पाली रोड पर हनुमान जी की मूर्ति के सामने कम से कम एक ट्रक भरकर मांस के टुकड़े मिलते हैं। मतलब सड़क किनारे मांस के टुकड़ों देखकर अफरा तफरी फैल जाती है। लगातार लोग इकट्ठे होते हैं और गुस्सा वहां लोगों के बीच में नजर आता है। लोगों की अफवाहें होती हैं कि ये गौ मांस है, कुछ कहते हैं कि ये किसी और का मांस है, बहुत सारी चीज़ें बात निकल कर आती हैं। इस मामले में DCP साहब पहुँचते हैं, ACP साहब पहुँचते हैं, SHO पहुँचते हैं, मामले की तहकीकात की जाती है, छानबीन की जाती है। लेकिन एक नया अपडेट निकल कर आया है कि पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के तहत मुकदमा दर्ज किया और इसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कौन कौन थे वो आरोपी और उनकी मंशा क्या थी कि हनुमान जी की मूर्ति के जस्ट कुछ दूरी पर ही, मुश्किल से 20 मीटर दूरी पर ही ट्रक से भरा हुआ मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। लेकिन किसका मांस था वो भी आपको बताएंगे और लोगों के बीच में जो अफरा तफरी मच रही थी वो किसकी थी। लेकिन आपको बता दें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किन किन लोगों को गिरफ्तार किया, पहले वो सुन लीजिए। दोनों ही बड़खल गाँव के रहने वाले हैं और बड़खल गाँव में आपको बता दूँ विशेष समाज के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर, कम बहुत सारी आबादी वहाँ रहती है। तो वहीं के ये दो लोग निकलते हैं जिनकी उम्र 20 और 24 साल की है। कौन कौन थे वो लोग आपको बता दूं, जो 24 साल का युवक है वो नदीम है। पहला नदीम है जो कसाई का काम करता है, मतलब जानवरों को काटने पीटने का मांस जो आप देखते हैं कहीं भी मीट शॉप होती है वो कसाई लोग अधिकतर करते हैं, तो कसाई का काम करता है वो था। दूसरा जो है वो ओबिरुल है जो 20 साल का है, कूड़ा बीनने का काम करता है, मतलब जो भी मांसों के अवशेष होते हैं, जो टुकड़े होते हैं उनको बीन कर कहीं ना कहीं फेंक देता है, वो 20 साल का है। दरअसल इन लोगों को गिरफ्तार, पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। दिक्कत ये इस बात की आ रही थी कि लोगों की मंशा क्या थी, अभी इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरी जानकारी निकलने के बाद पता चलेगा कि आखिर ये किन इनकी मंशा क्या थी। लेकिन हाँ, अब किस चीज़ का मांस था ये वहाँ जो टुकड़े टुकड़ों वहाँ पड़ा था, कहीं के धड़ पड़े थे, कभी किसी चीज़ का सिर पड़ा था, किसी क्या क्या चीज़ थी, मतलब ट्रक भरकर वहाँ आसपास तो मांस के लथुड़े बिखरे पड़े थे। तो लोगों को जब बदबू आने लगी, क्योंकि पास में हनुमान जी की मूर्ति है, तो बता दूँ एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति हनुमान जी की गुरुग्राम पाली रोड पर है। मतलब फरीदाबाद से जब आप गुरुग्राम जाते हैं तो पाली रोड के पास ये मूर्ति वहाँ बैठती होती है। दरअसल ये अवशेष निकलते हैं, जो फरीदाबाद पुलिस की प्रवक्ता की ओर से बयान आता है कि अवशेष भैंस के निकलते हैं। ईद के बाद लगातार कई सारी भैंसें काटी गई होंगी, उसके मांस के जो अवशेष मिले वो वहाँ मिलते हैं, गौ मांस नहीं मिलता है। और ख़ासकर पुलिस ने वार्निंग जारी की है कि कोई भी अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरा तस्वीरें भी देखते जाइए, कौन ये लोग कौन कौन हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, और जरा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। क्योंकि ये लोग मेन तो हमारा पर्पज़ इस बात के भी है कि मंदिर के आसपास भी मांस को फेंकना भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इस तरीके से मांस के लिए थोड़े आप सड़क के किनारे फेंक दोगे तो चलते फिरते आदमियों के लिए भी परेशानी खड़ी होगी, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आती। आप सब जो भी लोग हैं, अगर आपने ईद का त्यौहार आपने मनाया है तो आप सबों ने अपना त्यौहार सुख शांति से मनाया होगा, लेकिन इस तरीके से मांस के टुकड़े जगह जगह फेंक देना, इस तरीके से मांस के टुकड़े कोई भी आदमी फेंक देना, वो कहीं ना कहीं गलत है, वो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली चीज़ है। और इसी के तहत पुलिस डिपार्टमेंट ने मुकदमा दर्ज किया है। जरा आप लोगों की बाइट सुन लीजिए कि क्या था पूरा मुद्दा और कल की क्या सिचुएशन बन रही थी, वो भी आपको जरा ध्यान से सुन लीजिए। क्या हुआ सर? मास्क फेंका हुआ है काट के। कहाँ पे? मास्क यहाँ पे। अच्छा, मास्क फेंका हुआ का जो भी पता नहीं किस किस का ये पड़ा, वो मंदिर के सामने बिल्कुल। अच्छा, मंदिर के सामने मास्क फेंका हुआ। बिल्कुल, ये रहा। अच्छा, किसने फेंका है? ये कल रात को फेंके गए थे, कल मंदिर सामने, कल ईद थी तो इसमें पता नहीं भैंस है बकरी है जो भी कल की कुर्बानी हुई है तो उसका मांस फेंका हुआ है। अच्छा, मंदिर के सामने फेंका है? मंदिर के सामने, मंदिर यहाँ से, यहाँ से मंदिर 20 मीटर है, ओनली मंदिर 20 मीटर है यहाँ से। और ये देखो, मंदिर के सामने कल कुर्बानी हुई थी, कल ईद थी तो इसमें पता नहीं किसने जगह पड़ा हुआ आगे ढोले जी रात दिनियों जब तो उन्होंने देखे हैं। अब ऐसा हमें पकड़ ले मोटरसाइकिल में, हम जावे ना, हम पकड़ ले। अच्छा, इस तरह की कार्रवाई क्या तरीका था ढोले? रोज मतलब हर 10 मिनट में 112 दिन रात घूमती रहती है, 15-20 भेजे हम कट जाएंगे। ये क्या बकरे हैं, क्या है ये? बकरी गाय भैंस है, सब है, बकरा गाय सब चीज सब जाएगा ना, कोई कार्रवाई न होनी, वीडियो रह जाएंगे हमारे पास, हम वीडियो दिखाते रह जाएंगे। हमारे ऊपर यू है बजरंगबली की मूर्ति के सामने क्यों फेंको, इतना बड़ा पहाड़ कहीं फेंक देते। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100।